ब्रदर्स एंड सिस्टर, बच्चों बाबा पधार चुके हैं अपने थर्ड पार्ट के साथ। डेडपूल एंड वुल्वरीन बाव मूवी आ चुकी है और बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा और मार्केट में ऐसे धुरंधर धुरंधर यूट्यूबर्स ने पहले ही रिव्यू निकाल दिया होगा। लेकिन बाव जिस हिसाब से मैंने इस मूवी को फील किया है, महसूस किया है, वो चरम सुख की जो लास्ट स्टेज होती ना भाई, वो जो छू गया है हमें, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और बाय गॉड जिस चीज के लिए हम वेट करते हैं, कहते ना सबर का फल जब मीठा मिलता है, जिसके लिए वेट करते हैं और वो हिट हो जाए उस हिसाब से, भाई वो डिफाइन भी नहीं हो पाता। यही चीज मैं फील करके आया हूँ, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन भाई एज यूजुअल अपना बकचोद बाबा डेडपूल, जो हमेशा से वही काम करता है जो हमेशा करते आया है, डेडपूल फर्स्ट पार्ट में, डेडपूल सेकंड पार्ट में। स्टोरी की अगर बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी के लिए बाबा कोई ऐसा तुक्का नहीं मारना पड़ेगा आपको, या ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एज यूजुअल भाई टीवीए का कनेक्शन है, मार्वल वालों की मूवी है, तो दुनिया और यूनिवर्स बचाने की ही बात चलेगी, जो कई बार आपने ट्रेलर से भी भाप लिया होगा, और यही ही चलता है इस मूवी में। तो ठीक है, स्टोरी के पार्ट को अलग करते हैं, बस यूनिवर्स को बचाने की बात चल रही है, जहां पर डेडपूल की खुद की यूनिवर्स खतरे में आ रही है। पैराडॉक्स नाम का बंदा है जो टीवीए में उस यूनिवर्स को हैंडल करना चाहता है, और जाने क्या ही उसे खुंदक है जो उसे खत्म करना चाहता है। दिस इज द स्टोरी पार्ट ऑफ दिस मूवी, और यहां से डेडपूल उस अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, क्योंकि ये इसका परिवार हो चुका है, वो जितने भी इसके छछूंदर लोग, चूतिए, पंटार जितने भी थे इसके डेडपूल फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, सबको मिला के तोड़ मोड़ फड़ोड़ करके जो एक उसने अपना परिवार बना रखा है बाबा, वो उसको बचाना चाहता है। और इसी बीच ये वुल्वरीन से मिलने वाला है, उसको लेके आने वाला है और वुल्वरीन की सहायता लेने वाला है पेल के। लेकिन 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 अपने यूनिवर्स में जो ये यूनिवर्स खत्म होने की बात चल रही है, वो लोगन के मरने की बात चल रही है, क्योंकि लोगन मर चुका है। दैट्स वाई कि वो पैराडॉक्स नाम का बंदा है जो टीवीए में बैठा है, वो कह रहा है कि भाई मैं यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा, ये आप खुद फिगर आउट कर लेना, बाकी स्टोरी पार्ट यही है। तो वुल्वरीन को वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आएगा, जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्टार्ट करते हैं भाई साहब, स्टार्टिंग होती है डेडपूल से, डेडपूल की जो फर्स्ट फाइट सीन सिक्वल है भाई, पहले तो ये कि यार ये बंदा कभी सीरियस होता ही नहीं है, मतलब इतने सीरियस मोमेंट आए मूवी में जहाँ लोगों की फट रही थी देख के कि बाबा अब क्या होगा भाई, क्योंकि ये उस बंदे के सामने जा रहे हैं जो बिल्कुल क्रूअल है, जो मारने से पहले ही एक मिनट के लिए भी सोचेगा नहीं, बस चुटकी के हिसाब से वो जाने ले रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट कसांड्रा नोवा बाबा, जब भी ये बंदी आई है और मैं दिल से इसका फैन हो चुका हूँ। एक तो एक मूवी इस पे बननी चाहिए भाई, मार्वल वालों को कसांड्रा नोवा पे ध्यान देना चाहिए। व्हाट अ फाइन कैरेक्टर, कितना जबरदस्त उसके पास पावर है, सब कुछ है भाई, वो दिमाग से खेल सकती है एक चुटकी सहित भाई, ऐसे जबरदस्त सुपर हीरो को उसने एक चुटकी में खत्म कर दिया था। एंड जब जब भी वुल्वरीन एंड डेडपूल जो उसके सामने जाते हैं भाई, मेरी अंदर से फट रही थी कि यार ये कहीं इनको टपका ना दे, किसी ना किसी को टपका ना दे। और लेकिन डेडपूल तो अपना डेडपूल है बाबा, इसे बकैती करने के अलावा और सोचता ही क्या है, वो उस समय पर भी सीरियस नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। एंड जब वो वुल्वरीन से मिला था और वो जो पहली फाइट उन दोनों के बीच में होती भाई, वो दिल लूट के ले जाएगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट रहेगा। और जो वुल्वरीन का एडवांस हाई एक्शन सीन शॉट्स सबको देखने को मिलेगा ना भाई, पैसा वसूल हो जाएगा आपका वहीं पे। बाकी और भी बहुत कुछ है, और कैमियो नहीं भाई साहब, कैमियोज की लाइन लगी पड़ी है, जैसे राशन कार्ड राशन नहीं बटता है और आप राशन लेके खड़े हो भाई, मुझे दो वैसा ही इतने सारे कैमियोज आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। एक स्पॉइलर देना चाहूंगा बाबा, फैंटास्टिक फोर मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बस एक वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, एंड वो बहुत बहुत चेहरा, बड़ा फेमस चेहरा है और आप उसके लिटरली डाई हार्ट फैन होंगे, और वही बंदा आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो आप खुद मूवी में फिगर आउट कर लेना। देन उसके बाद भाई साहब मार्वल वालों का एक अलग से मेरे को आया था, बोला कि ऐसा ना कि बता देना है कि ब्लेड पे हम रिबूट कर रहे हैं, यानी ब्लेड फ्रेंचाइजी को जिंदा करना चाहते हैं, तो 7 नवंबर 2025 को ये मूवी आ जाएगी ब्लेड, और व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वो आप फिगर आउट कर लेना, मूवी में मजा आएगा, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बट है कुछ बहुत बहुत प्यारा है। बाकी भाई साहब एक्समैन के जो भी पार्ट दिखाए गए हैं, एक्समैन के जो भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, वो म्यूटेंट कैरेक्टर से भयंकर भयंकर कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, वो और सारे कुछ दमदार हैं भाई साहब। कैमियोज में कह रहा हूँ ना, बहुत बहुत सारे कैमियोज हैं, दर्जनों के माफी के, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ कैमियोज देखने को मिल जाएंगे। एंड वुल्वरीन का जो पार्ट रहेगा भाई, वुल्वरीन कहते ना संगत का असर बड़ा गंदा होता है, और डेडपूल की संगत में रहकर वुल्वरीन भी पूरा बकचोद हुआ पड़ा है, वो भाई मजा आएगा आपको। वुल्वरीन वो ऐसा सीरियस बंदा जिसने बहुत कुछ अपने यूनिवर्स में खो दिया है, खो चुका है,
बावजूद इसके भाई वो डेडपूल की बकैदियों में शामिल हो जाता है और वो एक बार के लिए डेडपूल जैसा रिएक्ट भी करने लगता है, तो वो बड़ा प्यारा पार्ट लेगा आपको। बाकी मूवी ऑसम है भाई, बहुत बहुत ऑसम है। डेडपूल के ढेर सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, मल्टीवर्स का जो कनेक्शन था, ऐसा लग रहा था ट्रेलर को देख के कि भाई साहब बहुत बहुत कनेक्शन देखने को मिलेगा मल्टीवर्स में, लेकिन नहीं, एक आध जगह ही हमें देखने को मिला वो टाइमलाइन से ट्रेवल करने का जो भी सीन था। अपने वुल्वरीन और डेडपूल पावर, ये जोड़ी फाइन है। मार्वल वालों ने दिमाग तो लगाया है भाई। अगर अगर मार्वल की डूबती नैया को वाकई में कोई बचा सकता है तो इससे बेहतरीन जोड़ी और कोई नहीं हो सकती जो इस मार्वल की नैया को बचा पाए। बाबा स्टोरी राइटिंग बड़ी प्यारी करी गई है, कैरेक्टर्स जो लिखाई करी गई है हर एक कैरेक्टर्स की, हर एक जो कैमियो के रूप में कैरेक्टर्स आएंगे बड़े बहुत प्यारी लिखाई करी गई है। लेकिन हाँ भाई, मैं कहना चाहूँगा अगर मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँच जाए तो, कि कैसांड्रा नोवा पे भाई ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, व्हाट अ क्रूअल नेगेटिव एंड टॉक्सिक कैरेक्टर, जिसको देख के लिटरली फट रही थी, सबकी फट रही थी, डेडपूल और वुल्वरीन की भी फट रही थी बाय गॉड, और वहाँ हर एक बैठे ऑडियंस की भी, कि यार ये कुछ भी कर सकती, मतलब चुटकी बजाएगी और ये ख़त्म कहानी पर, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों को उसने चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दिया। तो भाव मैं चाहूँगा कि यार ये इस बंदी पर एक मूवी तो आनी चाहिए, या कुछ भी एक ऐसा डेडिकेटेड कुछ तो आना चाहिए। मार्वल वालों को सोचना चाहिए भाई, कैसांड्रा नोवा पे यार क्या, मैं वेट करूंगा इस चीज के लिए। बाकी यहाँ तक पहुंच गए तो इसका वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी ऑसम है, बिना सोचे समझे झिझक के, बिना जाओ भाई साहब, और थिएटर में ही इसको फील करो। पैसा वसूल मूवी है बाबा, पैसा वसूल मूवी।